तो दोस्तों नेक्स्ट स्मैकडाउन जो होगी वो सुपर साइज्ड होगी। सुपर साइज्ड का मतलब ये होगा कि 2 घंटे का जो स्मैकडाउन आता है उसमें आधा घंटा और जुड़ेगा, और जो आधा घंटा होगा उसमें अपन को एड फ्री होगा वो आधा घंटा, और फॉक्स जो आगे जो प्रीमियर होने वाला था उसको लेट दिखाएगी, तो आधा घंटा स्मैकडाउन को मिलेगा और वो एड का एड फ्री होगा। और इस स्मैकडाउन में हमें ब्रॉक लेसनर दिखेंगे जो फाइनल बिल्ड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए आएंगे, और रोमन रेन को बोलेंगे और कुछ बातें होगी, और फिर हमें रोमन रेन का और ब्रॉक लेसनर का मैच दिखेगा क्राउन ज्वेल में, उसके लिए थोड़ी बातें करेंगे, और फिर यूँ ज़्यादा कुछ खास तो हमें दिखेगा नहीं लेकिन। और फिर नेक्स्ट हमें बेकी लिंच और साशा बैंक्स का मैच दिखेगा जो कि मेन इवेंट होगा, तो उस हिसाब से हमें एड फ्री में दिखेगा वो आधे घंटे में, जो कि 2 घंटे के बाद एक्स्ट्रा जो टाइम होगा उसमें होगा, उसमें हमें एड फ्री दिखेगा ये मैच। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट मैच सेमी फाइनलिस्ट फिन बैलर वर्सेज सेमी जेन का दिखेगा, जिसमें कि अब वो देखना पड़ेगा क्या होता है। फिर नेक्स्ट मैच हमें जेलिना वेगा और कार्मेला का दिखेगा, और बता दूं कि जो सऊदी अरेबिया का जो क्राउन ज्वेल है उसमें हमें इसमें जो फाइनलिस्ट होंगे उनका मैच दिखेगा वो मैच भी, और फिर नेक्स्ट में सोनिया डेविल और नाओमी का मैच दिखेगा। सोनिया डेविल के बारे में बता दूं तो वो समर स्लैम 2020 के बाद पहली बार लड़ेंगी, और नाओमी से बैक स्टेज कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उनका मैच करवाया जाएगा इस वाली मतलब इस हफ्ते जो स्मैकडाउन होगी उसमें। फिर नेक्स्ट मैं आगे बता दूं कि AEW रैम्पेज है वो भी इसी हफ्ते होगा, और टोनी खान ने क्लियरली बोल दिया है कि मैं तुम्हारे इस शो को बीट करूंगा, मेरी गारंटी है। और टोनी खान ने ये कहा है CM Punk के दम पे CM Punk वर्सेस मैट साइडल होने वाला है, पर बेकी लिंच का जो मैच है साशा बैंक्स का वो बिना एड के होने वाला है, तो उसमें अपन कह नहीं सकते कि AEW रैम्पेज बीट कर पाएगा। ये टोनी खान की ट्वीट है, आप देख लीजिए पॉज करके, मैं इसको ज़्यादा देर नहीं रख सकता कॉपीराइट की वजह से, तो देख लीजिए। तो अगर आपको आगे की न्यूज़ चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना चैनल, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बिलीव इन मी।